बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के ला देना। जाके कहां मैं रपट लिखाऊं, कोई बतला देना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं मैं क्या क्या करूं। करूं। हेलो हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस, बीते दिनों में आप लोगों को पता है कि मैं किस फेज से भी गुजर रहा हूँ, दिस ऑल लीगल थिंग्स एंड ऑल, बिकॉज आई एम वेरी न्यू इन दिस ऑल थिंग्स। आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो आप मेरा फेस देख सकते होंगे, एक यहाँ पिंपल आ गया है, एक यहाँ पिंपल आ गया है, एंड आई थिंक दैट योर फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फूड यू कंज्यूम। पिछले 5 दिन से मेरे खाने पीने का सारा सिस्टम खराब हो चुका है, और मैं क्योंकि हर टाइम मैं बिजी रह रहा हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से खाना वगैरह खाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे। देन टुडे आई डिसाइडेड कि जो होगा देखा जाएगा यार, इतना टेंशन लेकर जीने से इंसान जीना भूल जाएगा। तो मैंने आज फाइनली, ये देखिए, मैंने अपने लिए चना उबाला है और अपनी चीजें काटी हैं, और देन मैंने डिसाइड किया कि आज खाना खुद घर पे बनाऊंगा, क्योंकि 4-5 दिनों से मैं खाना बना ही नहीं रहा और खा रहा हूँ बाहर से। और साथ में अभी टाइम हो रहा है, ये देखिए, 1:45, 1:45, 3 या 3:30 बजे तक के कुछ आने वाला है मेरे घर पे, कुछ मैंने मंगवाया है। 6 hours later सो गाइज, इस समय देखिए 10:15 हो रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि शाम को 3 बजे तक के मेरे घर पे कुछ पार्सल आने वाला था, जो कि 3 बजे आया नहीं, वो आया 6 बजे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जाना था बाहर एक मीटिंग के लिए और मैं बिजी था, तो टाइम नहीं मिल पाया आप लोगों को भी बताने का या दिखाने का। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 2 पैकेट हैं, बस आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक फ्लिपकार्ट से ये आया है, 50 ग्राम भी नहीं होगा। दिस इज द मेन आइटम। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए, एक डब्बा ये है जो मैंने आपको दिखा दिया, एक डब्बा ये है। अब इन दोनों को अनपैक करने के लिए मेरे पास निकल जा भाई, ये है। आपको पता है कि मैं सारी चीजें इसी से खोलता सारी चीजें। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये खोलता हूँ। ओके, दिस इज, अरे खोलने से पहले ही खुल गया, चलो कोई नहीं। ओम ब्लिंग ब्लिंग, निकल जा, ये लो, खुदा खुदा बाहर निकले चुड़िया। सो दिस इज मेमोरी कार्ड। दिस इज नॉट मेमोरी कार्ड, दिस इज खुदा बाहर निकली चुड़िया। मतलब भाई, मेमोरी कार्ड के लिए इतना बड़ा पैक फ्लिपकार्ट वाले। हाँ, यू नो भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए आप देख रहे हैं इसको, मैं बाद में खोलूंगा। अब मेन आइटम की तरफ आते हैं, वो है ये। ओम ब्लिंग ब्लिंग खड़िंग टुडुम, ओम ब्लिंग ब्लिंग डिंग टुडुम टुडुम, ये सब देखिए। Oh my God! What is this? Osmo Action! मतलब Flipkart वालों से मुझे एक 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 रिक्वेस्ट है, मतलब मेमोरी कार्ड के लिए आप इतना बड़ा पैकेट बना रहे। कहाँ गया वो बड़ा पैकेट? हाँ, ये रहा, ये रहा, देख लीजिए, इतना बड़ा पैकेट, और इसको एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में ले गया, और एक कैमरा जो 21-22 हजार का आता है, उसको देखो कैसे पैक में डाला। देखिए गाइस, ये है मेरे पास Osmo Action कैमरा। अब आप लोगों को पता है कि जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था और ब्लॉगिंग शुरू किया था, तो अभी जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, इसी फोन से मैंने शुरू किया, फोन से ही मैं ब्लॉग करता गया, और अब मेरे YouTube चैनल पे कुछ 100 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा अपग्रेड करें। मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए उसके बाद तुम अपग्रेड करना। मैंने कहा कि मैं अपग्रेड कर लेता हूँ, फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो गाइज, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और इसका एक वीडियो, स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन होंगे उसके अंदर, कैसा दिखता है एंड ऑल, तो वो वीडियो आप जरूर देखना। बाकी अब जो नेक्स्ट शॉट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा इससे। भाई तो खुशी कितनी हुई ये देख के। भाई भाई भाई, मैंने इसके लिए इतने पैसे जमा किए हैं ना, इतने पैसे जमा किए हैं, और तब जाके मैंने इस कैमरे को खरीदा है, और मुझे लिटरली बहुत खुशी हो रही है कि मैं नाच के देखा। हाँ, नाच के देखा। ए, मैं नाचा ना तेरे वास्ते, पैसा देना। मैं भी नाचा, मेरे को भी तो पता है अभी तो मैं, मतलब मेरा वेट कितना है इसका, देखना वेट इसका आई गेस होगा कितना। हाँ, पढ़ ले तू पहले। आई थिंक ये 150 से 200 ग्राम होना चाहिए, बट इसपे लिखा कितना है देखना एक बार, पता नहीं। भाई आप लोगों को तो पता होगा, DJI Osmo Action कैमरा, इसमें ना 4K रिकॉर्डिंग। 200 ग्राम, 200 ग्राम वेट है। आई एम ऑलवेज राइट। हाँ, 150 और 200 ग्राम में फर्क नहीं होता, 50 ग्राम का फर्क है भाई।
50 ग्राम पता है इसको मैंने हाथ में होल्ड किया हुआ है ना, मेरे को खोलने का मन ही नहीं कर रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे ही है। तो अब हम इसे खोलने वाले हैं, लेट्स सी इसके अंदर क्या निकलता है। सो गाइस अनबॉक्सिंग करने के बाद मेरे हाथ में जो चीज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओम ब्रिंग ब्रिंग क्रिंग छुड़िंग ब्रिंग ब्रिंग। और देखिए आप, ये बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा कैमरा जो कि अब मैं ऐसे करके ब्लॉक करूंगा। इसमें मैंने बैटरी भी डाल दिया है, मेमोरी कार्ड भी डाल दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कैमरे का जब लेंस ऑन हो तो सबसे पहले ये मेरे ईस्ट का तस्वीर खींचे, क्योंकि मैं यूजुअली हर चीज सबसे पहले इनको समर्पित करता हूं, बिकॉज ही इज द वन जो मुझे सब कुछ देते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस कैमरे के लेंस से मेरे हनुमान जी दिखे। जय अरे चलो हनुमान जी तो आ गया ना, सेटिंग करना पड़ेगा। तो बंद कैसे होता है ये ब्लॉग में जाएगा ना भाई, कि मैं ढूंढ रहा हूँ इसको बंद कैसे करते हैं, स्विच ऑफ कैसे करते हैं, मेरे को पता ही नहीं। उसी को तो दबा रहा हूँ, हम लोग तब से ढूंढ रहे हैं कि ये बंद कैसे होगा, बंद कैसे होगा, लेकिन हम लोग बंद करने की जगह पे इसको रिकॉर्डिंग जो है उसको ऑन करते रहते हैं। तो गाइस देखिए ये कैमरा है, अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अरे यार ये QR कोड, तो इस तरह से कुछ प्रक्रिया है जिसको पूरा करना होता है। तो गाइस बहुत सारे परेशानियों को खत्म करने के बाद मैं इसका सबसे पहला स्नैप लेने वाला हूँ। भाई जब भी मैं कैमरा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कुछ और ही चल रहा है इसमें, सेटिंग्स कुछ कुछ और हो जा रहे हैं। तो गाइज मैंने हनुमान जी का फोटो ले लिया है, अब जो फुटेज आप देखेंगे वो देखेंगे आप इस कैमरे से, क्योंकि इस कैमरे में बैटरी नहीं है, 8% ही बैटरी बचा है, तो इसको मैं अभी चार्ज में लगाऊंगा। चार्ज में लगाने के बाद जब चार्ज हो जाएगा ये, उसके बाद मैं इससे कुछ ब्लॉगिंग करके आपको फुटेज दिखाऊंगा इसका। ऐसे है बहुत मस्त ये, ऐसे मैं ब्लॉगिंग करूंगा। ये देखिए इसमें फ्रंट कैमरा है, इस फ्रंट कैमरा को यूज करके मैं ब्लॉगिंग करने में यूज करूंगा ऐसे। तो देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक करने लग जाएगा और स्क्रीन पे भी दिखाएगा कि रेड लाइट हो रहा है। तो देखिए नाइट में अगर आप कमरे में हैं, जैसे मैं इस समय अपने रूम में हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक ये लाइट जल रही है और एक ये लाइट जल रही है, और इस देखा अभी ये लाइट बंद कर दिया है भाई ने, ये भी बंद कर दिया है, तो अभी थोड़े ग्रेन्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मोबाइल का फ्लैश मेरी तरफ करो, देखो मोबाइल का फ्लैश अगर मेरी तरफ करते हैं तो इसमें इस तरह से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेन्स आ रहा है, ग्रेन्स थोड़ा नहीं बहुत आ रहा है। इसको लैपटॉप में भी डाल के देख कैसा आ रहा है। हाँ वही करके देखता हूँ, शायद बैटरी कम है या क्या रीज़न है, देखते हैं। हाँ तो ये अभी बिल्कुल डिफॉल्ट जैसे मेरे पास आया था उसी तरह से मैंने इसको अभी ऑन किया है बस जैसे तैसे करके, और ये फुटेज ले रहा हूँ, देखता हूँ कि इस फुटेज में किस तरह का क्या आउटपुट आ रहा है। ओके okay?